मैं 2.5 किलो अमरूद लेकर आई थी, और जल्दी ख़राब होता है अमरूद, इसलिए रोज़ मैं तीन चार अमरूद कटिंग कर देती हूँ, और मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा सा, और विहान को भी खिला लेती हूँ। और ये देखिए, ये अभी 3 साल का बच्चा, और इसको कितना शौक़ है बाइक चलाने का। आराम से यहाँ पूरा दिन इस बाइक पर बैठा रहता है, इस बाइक पर, या फिर ये साइकिल है साथ में आपको दिख रही है, इस पर बैठा रहता है। और फिर मुझे बुलाता है, कहेगा मम्मी इधर आओ इधर, मैं बोलूँगी क्या, बोलता बैठ जाओ पीछे बैठ जाओ, कहता है पीछे बैठो मैं बाइक चलाऊंगा। तो चलो अभी हम रसोई में आ जाते हैं, और ये देखिए मैं यहाँ पे डब्बा धो रही हूँ क्योंकि मुझे आटा रखना है। और आप कह रहे थे ना कि आप ये 11 किलो आटा क्यों लाए, तो देखिए 10 किलो आटे के साथ ना 1 किलो आटा फ्री था, तो 1 kg आटा मुझे एक्स्ट्रा मिला, इसलिए मैं ले आई थी। और वैसे तो 5 किलो की थैली ही लाती थी मैं पहले, लेकिन इस बार मुझे लगा 1 किलो फालतू मिलेगा, इसलिए मैं ले आई थी। और ये डब्बा मैंने धो दिया, धोने के बाद जब सूख जाएगा अच्छे से, उसके बाद इसमें मैं आटा ऐड कर दूंगी। और ये देखो दूध मैं लाई थी परसों, ये भैंस का दूध दुकान से लाई थी, और ये 2 गिलास दूध था, और रात को मैंने पिया, ये पूरा दूध मैंने फिनिश किया, क्योंकि ये ख़राब हो जाता, वैसे भी टेस्ट ख़राब हो जाता है, पुराना दूध होता है ना जो उसका, तो मेरे को लगा कि पैसे ख़राब जाएंगे। विहान ने पिया नहीं, विहान 1 गिलास विहान का बनाया था, फिर मैं 2 गिलास पी गई मैं रात को, मैं कहा इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि फिर पैसे ख़राब जाएं, वेस्ट जाए तो बुरा लगता है। और ये खाना विहान ने खाया ही नहीं, रात को कुछ नहीं खाया बाबू ने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज 22 तारीख है और आज से टाइम 6:41। सिक्सटी सेवन पॉइंट 3 kg, विहान के टिफ़िन के लिए मैं ये नूडल्स बना रही हूँ, ये सूजी की है, 150 रुपये का आया था ये पैकेट। ये 90% हो गई हैं, बस 1-2 मिनट और पानी में रहने देते हैं। कल मैंने खिचड़ी बनाई नहीं खाई, पराठा बना के स्कूल में दिया नहीं खाया, कल पूरा दिन में विहान ने बस थोड़ी सी सेवइयाँ खाई थी, बनाई थी मैंने, और थोड़ा सा फ्रूट खाया था, नाशपाती खाई थी और अमरूद खाया था। एक्चुअली अभी ना बच्चे के कोल्ड हो रखा है, कोल्ड जुकाम की वजह से उसका भी इतना जी ठीक नहीं है, तो वो अन्न नहीं खाता, मेरे को पता है विहान का, वो 1-2 दिन में शुरू करेगा, तब तक उसको ना जैसे मैं फल फ्रूट दे रही हूँ तो वो खा लेगा, तो इसीलिए मैंने आज नहीं बनाया पराठा या फिर चावल वगैरह कुछ। मुझे पता था चावल पूरा फ्रिज में भरा पड़ा है, कल का ही नहीं ख़त्म हुआ, खाया ही नहीं है, एक चम्मच भी मुंह नहीं लगाया, तो इसीलिए मेरे को था कि ये नूडल्स बनाऊंगी ना टिफ़िन में दूंगी, तो क्या पता ये थोड़ा टेस्टी लगती है, बच्चे को इसका स्वाद पसंद आए तो वो खा ले खुश होके, फिर भी है ना। तो ये सूजी की हैं, तो घर में होममेड मैं बनाने लग रही हूँ। बेटा पहले मम्मा खाना बना रही है आपके लिए। हमारी नूडल्स बन गई हैं। इसको नूडल्स को फैला दी है, ठंडी जल्दी होगी। बाबू के टिफिन में मैगी और नाशपाती, चम्मच रख देते हैं।
सुबह नाश्ते में मैं पीऊंगी जूस, ये कल बनाएंगे। विहान के कोल्ड हो रखा है तो उसे नहीं पिलाऊंगी। नीचे क्यों लेट गए बाबू, खड़े हो जाओ। आज से मुझे हर रोज 100 ग्राम वजन कम करना है, मैंने खुद से वादा किया है। 100 ग्राम रोज करना है जब तक चल रही है लाइफ मेरी। आई मीन टू से 60 किलो पे जब तक वजन नहीं आ जाता है, अभी 67.3 है, अपने वेट चेक किया है, तो रोज 100 ग्राम कर करके करूंगी। और आज मुझे पता नहीं क्यों मेरा काजल नहीं है, ये मैंने आईलाइनर से लगाए हैं देखो, बट कुछ अलग नहीं लग रहा आज मेरी आईज, मुझे खुद को ही पता नहीं क्यों डिफरेंट लग रही है। आज मैंने थोड़ा सा आराम आराम से लगाया है, अच्छा लग रहा है ना। बेटा क्या खत्म हो गया? ये नहीं पीना बेटा, जूस है ये। पी गई सारा? क्या करोगी? ना ना गिलास नहीं देती, कांच का है, हाथ में चल जाएगा। अभी पता है क्या कर रहा है इसने, इस गाड़ी पे बैठा और पता है गाना गा रहा, धीरे धीरे से मेरी, इतना गाया चुप हो गया। मैं अब से मैंने सोच लिया है, मैं सोचती हूँ जैसे सुबह 9 बजे वाली धूप है, 8 बजे वाली धूप है, लेकिन धूप में ना चेहरे को बिल्कुल लाना ही नहीं है, अब से कवर करके रखना है अपना फेस। बहुत ना पता है मेरे को खुद दिखने लग गया है, यूवी रेज का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है नेगेटिव मेरे फेस पर। तो चाहे थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए धूप में क्यों ना निकल लूं, आज के बाद मैं बिना मुंह ढके कभी घर से बाहर नहीं निकलूंगी। अपनी केयर खुद ही करनी जरूरी होती है, अब से मैं अपने आप से प्यार करूंगी। मैंने खुद से प्यार करना ही खत्म कर दिया जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। खुद से प्यार करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, खुद की केयर करना। ये आपको पीछे दिख रहे हैं कपड़े, 3 दिन से पड़े हैं सूखे हुए, ऊपर भी उतारे नहीं है, आज पक्का उतारूंगी। 2-3 दिन से भी तबीयत ठीक नहीं थी, हिम्मत ही नहीं हुई कपड़े उठा के लाने की। सामने देखो, शर्मा गया, क्या हुआ? आपको लगा ये कुत्ते को देख रहा है, क्या हो गया मेरे बाबू? जान करके नहीं किया, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। विहान जा रहा है स्कूल। 3-4 दिन से मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी, बट नॉट एनी मोर, अब मैं टेंशन बिल्कुल भी नहीं लूँगी और बस आज के दिन को इंजॉय करूँगी। और आपको मैं यहाँ ऊपर से छत से दिखा रही थी अपनी कॉलोनी का नज़ारा, कुछ इस तरीके से दिखता है, और मेरे घर का बरेंडा भी दिखा रही हूँ मैं, है ना, ये आंगन तो इस तरीके से है। तो मेरे कपड़े सारे अच्छे से सूख गए हैं, 1-2 कपड़े हवा की वजह से नीचे भी गिर गए थे, इनको भी मैं अच्छे से उठा लेती हूँ। और अब से पता है क्या है, मैं ना हमेशा ऐसे ही होती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ना मेरे को कुछ ना कुछ होल्ड के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ है, गोल्स ज़रूरी होते हैं लाइफ में। अगर आपकी ज़िंदगी में एम्स नहीं है तो आप फालतू में डिप्रेशन में जाओगे खाली बैठे, क्योंकि अगर आप सुबह उठते हो सो के और आपके माइंड में ये चीज़ नहीं होती ना क्लियर कि आपको उठ के करना क्या है, कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, आपकी एक दिनचर्या होनी चाहिए, रूटीन होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने अपना ना 100 ग्राम वजन कम करने वाला रूटीन अब फॉलो करूंगी, ताकि मैं थोड़ा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे सकूँ और अपना थोड़ा वजन कम कर सकूँ। और देखिए मेरे पास 2-4 कॉमेंट्स आए थे, बस मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, वो कॉमेंट्स थे जो कि मुझे डीमोटिवेट करना चाह रहे थे, पास्ट की चीज़ों को याद दिला दिला के कि देखो आपने पास्ट में शुरू किया था तब नहीं हुआ। तो देखिए इसीलिए ना मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती इस बारे में यूट्यूब पर, बस ये है कि मैंने आपको बता दिया अभी कि मैंने शुरू किया है, उसके बाद बात ख़त्म। अब मेरी आगे वीडियोज़ नॉर्मल जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी अपने वजन के बारे में, वेट के बारे में, क्योंकि वो साइलेंट काम करो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि देखो आप दुनिया के सामने पहले ही बोल देते हो ना कि आप ये काम करोगे, तो आपको डीमोटिवेट करने के लिए लोग ना कॉमेंट करना
शुरू कर देते हैं, है ना, और मेरे को एक मदर्स गिल्ट वाली फीलिंग करवाने की कोशिश करते हैं। एक होता नहीं कि ना, अगर मैं अपने लिए कुछ अच्छा करने की सोचती हूँ तो लोग मुझे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। अगर मैं खुद जूस पी रही हूँ तो मुझे कमेंट आते हैं, कैसी माँ है, देख कैसे भर भर के फल फ्रूट खा रही है, कैसे जूस पी रही है, ऐसे ऐसे कॉमेंट्स आते हैं। भाई क्या हो गया, मैंने खा पी लिया तो मैं भी, मेरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, तभी तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगी ना। अभी मैंने कमरे की लाइट नहीं जला रखी, तो मुझे एक बात ये बता दीजिए, अगर काजू मैं लेकर आई, ठीक है, और अगर मैंने खा लिए, तो उसमें मतलब मैंने कौन सा पाप कर दिया जो इस तरीके के कमेंट्स आते हैं बार बार मेरे पास कि बच्चे के लिए सामान लाती है खुद खा जाती है। अरे मैं भी तो माँ हूँ, मैंने खा लिया तो इसमें क्या बात हो गई, ये बताइए ना मुझे। मैं नहीं खा सकती हूँ, अगर मैं ये मौसमी, मैं ठीक है मैं लाई थी संतरे मौसमी विहान के लिए कि विहान जूस पिएगा, उसके अभी जुकाम हो रखा है और वो पी भी नहीं रहा है, और वो बाकी फ्रूट खा रहा है, वो अमरूद खा रहा है, नाशपाती खा रहा है, पपीता खा रहा है, तो वो मैं ले आई थी, वो भी बच्चे को मैं खिला रही हूँ रेगुलर, ठीक है। तो अगर वो अभी मौसमियां रखी हैं वो नहीं ले रहा तो खराब होने लग जाएंगी अब, है ना, कितने दिन हो गए लाए हुए, खत्म तो करनी है ना। और अगर मैं पीती हूँ जूस तो इसमें मैंने क्या बुरा कर दिया, मुझे बता दो। मेरे को रोज कॉमेंट में यही बातें आती हैं कि देखियो, कभी कहती है कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है, और खुद जूस पीती है। जूस, जूस कब से विलासिता वाली चीज हो गई, मुझे तो ये समझ नहीं आता। जूस कब से अमीरों वाला खाना हो गया, मुझे ही बता दीजिए। क्या जूस हम जैसे मिडिल क्लास लोग जूस नहीं पी सकते क्या हर रोज एक गिलास? इतना तो मेरे को लगता नहीं है कि महंगा है जूस, इतना तो पैसा हम लोग वैसे भी कोल्ड ड्रिंक्स पे, मैं एक बार बता देती हूँ, जो मिडिल क्लास बंदा है जो महीने का 20,000 भी कमा रहा है, 15-20 हजार, वो भी हर रोज एक गिलास जूस पी सकता है, इतना कोई वो नहीं होता अगर बजट को देख के चला जाए तो। कितने का आता है यार मौसमी का कट्टा, भी कितना सस्ता हो रहा है, इकट्ठा मैं इकट्ठा मंगवाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज, आप लोगों को महंगा इसलिए लगती है चीजें फल फ्रूट, क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, दुकान पे जाओगे वहां पे कहोगे भैया एक गिलास जूस बना दो हमारे लिए, वो बनाएगा अच्छा खासा 70 का 80 रुपए का, और उसमें क्या होती है आधी मिलावट होती है चीनी की। मैं क्या करती हूँ, घर पे लेके आती हूँ सामान और घर पे ही जूस बनाती हूँ, तो मेरा सस्ता पड़ता है बहुत ज्यादा। अब मौसमी का कट्टा मैं कितने का लाई थी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरे ख्याल से मैं 700 रुपए का लाई थी, 20 किलो कट्टा था वो, 20 किलो का कट्टा 700 का, और अभी तक चल रहा है मेरा, कितना टाइम हो गया। मैं रोज 3-4 मौसमी का जूस बना के पी लेती हूँ, 3-4 मौसमी, बताओ। इसमें मेरे को बार बार लोग कमेंट करते हैं कि कैसी है कैसी, मुझे इतनी ज्यादा मतलब मैं आपको कि मैं वो कमेंट्स में लाती नहीं हूँ अपने वीडियो के नीचे, मैं डिलीट मार देती हूँ कई कमेंट्स, तो इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, जूस पी रही है जूस पी रही है। अरे यार क्या गुनाह कर दिया मैंने, आप लोगों का क्या बुरा कर दिया मुझे बताओ। कभी कहती होगी काजू खाती है, कभी कहती है कि बादाम खाती है, कभी कहती है ये चीजें खाती है, ये वो करती है, कहां से गरीब है, कहां से विधवा है, कहां से इसका पति मरा है, मुझे नहीं समझ में आता भाई जो इस तरीके के कॉमेंट्स करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, तो भाई बहुत बढ़िया है भैया, लोगों की सोच बहुत बढ़िया है, मतलब कोई किसी का दर्द नहीं समझता, लेकिन हाँ लोगों को ये दिखता है भैया ये लड़की तो जूस पी रही है, ये भैया तो फल फ्रूट खाती है, तो मतलब खाना खा रही है ना, मतलब क्या मर जाऊं क्या फिर, मैं जीऊ ना अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊ ना, मतलब क्या चाहते हो आप लोग, कहां से विधवा लगती है ये तो जूस पीती है। भाई यार भाई भा माफ करो मुझे, सच में माफ करो।